हाय लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। द्वारका एक बहुत ही हैपनिंग जगह है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। और अब वैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो कुछ फेस्टिवल्स और होने वाले हैं। ऐसा ही एक फेस्टिवल खादी उत्सवम इंडिया द्वारका में होने वाला है और उसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है कपिल किशोर सक्सेना, जो कि ग्रिनेल्को इको फाउंडेशन से हैं, और उनके साथ नीना कपूर जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। कपिल जी, आप अक्सर इवेंट्स कराते रहते हैं कुछ ना कुछ, इस बार ये क्या है, ये किस तरह का इवेंट है? नमस्कार, मेरा नाम है कपिल किशोर सक्सेना, फाउंडर डायरेक्टर ग्रिनेल्को इको फाउंडेशन। सर जी, आपने मुझे कहा कि मैं इवेंट करवाता रहता हूँ, ये इवेंट जो है इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मोड दिया है। ये इवेंट मैं केवल एनवायरमेंट के लिए ही करता हूँ, जैसे ग्रिनेल्को ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी कृष्णोत्सव किया था, अभी नया है कि उत्सवम इंडिया, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ये जो खादी उत्सवम इंडिया है, इसका मकसद ये है कि हम अपनी संस्कृति को हम कितना बचा पाए नई जनरेशन तक पहुंचाने के लिए। गवर्नमेंट बहुत काम करती है, बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम किस तरह से लोगों को अवेयर करें कि कहीं ना कहीं संस्कृति हमारी है। पूरे वर्ल्ड में हमको चाहे टेक्नोलॉजी लोग जानते हो, लेकिन हमारी जो धरोहर है, संस्कृति है, उसके वजह से ही हम पहचाने जाते हैं। तो इसका मकसद था हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इसमें हम लोगों ने बुनकर को बुलाया है, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम को बुलाया है, और एनजीओ को बुलाया है, और जो महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं, जो भी थोड़ा बहुत अपने कंट्री के डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत काम कर रही है, इसमें हम लोगों ने प्रोफेशनल लोगों को नहीं बुलाया है, कमर्शियल कुछ नहीं किया है। जितने द्वारकावासी द्वारका के आसपास के लोग हैं वो आएंगे, यहाँ पे स्टॉल्स हैं, वहाँ पे झूले हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स हैं। कल्चरल प्रोग्राम के लिए खादी ग्राम उद्योग दिल्ली गवर्नमेंट के संग मिल करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा। इसमें बॉलीवुड डांस नहीं होगा, न गाने होंगे, इसमें ओनली फोक डांस फोक आर्ट्स होगा, ये क्लासिकल होगा, और द्वारकावासी भी खासतौर पर इसमें इन्वॉल्व होंगे, स्कूल को भी इन्वॉल्व किया हुआ इसके अंदर। ये नीना जी, आप इस जो पूरा ये फंक्शन इवेंट हो रहा है, इसका आप जो है कल्चरल साइड आप देख रही हैं, तो किस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे इसमें? नमस्कार, मैं नीना कपूर। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं एक अध्यापिका हूँ और मैं इसी फील्ड से हूँ, आई एम अ कोरियोग्राफर इन डीएवी पब्लिक स्कूल। जब कपिल भाई ने मेरे से ये कहा कि हम इस तरीके का कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरे हृदय के किसी कोने में जो है वो एक जो इच्छा थी वो जागृत हो गई कि एक तो मैं इस फील्ड से हूँ, दूसरा कपिल जी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि मैं विद्यालय में भी देखती हूँ कि बच्चे हमारे वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा जो है वो उनका दिल दिमाग सब उधर ही लगा हुआ है। तो जब मैं विद्यालय में भी देखती हूँ कि अगर हम कोई फोक डांस वगैरह कराना चाहते हैं तो बच्चे थोड़ा सा उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो करें, तो ये बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है कि हमारे देश की संस्कृति जिसको आज बाहर के विदेशी जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना रहे हैं और हमारे बच्चे उसे छोड़ते जा रहे हैं। तो इसी सोच को लेके इस कार्यक्रम को जो है उसके साथ में अटैच हुई हूँ, और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर दिल्ली सरकार है और साउथ दिल्ली एमसीडी वगैरह सब हमारे साथ जुड़े हैं, खादी जुड़ा है हमारे साथ, और खादी अपने आप में एक ब्रांड है और वो पहली बार इस तरीके के कार्यक्रम में जुड़ा है। तो अगर ये कार्यक्रम हमारी जो इच्छा है कि हम ग्रिनेल्को के थ्रू जो है हम इसको पूरे ऑल इंडिया में लेके जाएं, ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति की जो धरोहर है उसको पकड़ के रखें। और इसमें मैं सभी द्वारकावासियों से एक विनम्र निवेदन करूंगी और आग्रह भी करूंगी कि अपने बच्चों को लेकर आए, यहाँ पे बहुत फन है, बहुत इंजॉय करेंगे, हम अपनी संस्कृति के साथ उन लम्हों को जी लें। तो यही सोच के जो है हमने ये प्रोग्राम जो है आरंभ किया है। नीना जी, जैसे अभी कपिल जी कह रहे थे कि इसमें जो कोई भी किसी तरह के प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, तो क्या ये स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें? सर, इसमें स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे द्वारका के ही कुछ डांस स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे सीखते हैं, तो हमने उन बच्चों को भी ये मंच दिया है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे स्कूल में डांस सीखते हैं उसके बाद उनको मौका नहीं मिलता है उतने एक लार्ज स्केल पे कि वो परफॉर्म कर सके, तो वो बच्चे जो है यहाँ पे आके स्टेज को परफॉर्मेंस देंगे तो निसंदेह उनका जो है उत्साह भी बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और साथ ही साथ वो हमारी संस्कृति को
को जो है वो अपनाएंगे भी। और मेरा ये मानना है कि अगर इतने बच्चों में से और हमारे 10 बच्चे भी अगर ऐसे निकल गए जो हमारी संस्कृति में जो रम गए, जिनको पसंद आया, तो वो 10 बच्चे ही आगे जो है वो हजारों के बराबर हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बच्चों को मौका मिलना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और एक बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना उससे भी बड़ी बात है, और उनको हौसला मिलता है। अच्छा कपिल जी, ये इवेंट कब से कब तक है और इसके क्या टाइमिंग्स हैं? ये इवेंट है सुबह 11 बजे पब्लिक के लिए, रात को 9 बजे तक है, और 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। और दोपहर का सर्दियों का मौसम में धूप सेकिएगा, सरसों का साग खाइएगा, छोले भटूरे खाइएगा, कल्चर प्रोग्राम। इसमें क्या है कि बुजुर्ग लोगों के लिए भी बहुत बड़ा रोल है। बुजुर्ग लोगों के लिए ये है कि एक प्रोग्राम उन लोगों ने किया है, अभी तो मैं जवान हूँ, तो क्या है कि जो पेंटिंग कंपटीशन तो हम लोग नहीं बोलते हैं इसको, हम लोगों ने ऐसा नाम दिया है कि बच्चे भी पेंटिंग करें, और दो एक साल से लेकर 90 साल तक के बच्चे भी पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, जो बुजुर्ग लोग गाना गाएं, अपना एंजॉय करें। वहाँ मंच तो एक है, ओपन एरिया भी बहुत है, सबके लिए फ्री है। हम तो चाहेंगे जितनी महिलाएं हैं खासतौर पर महिलाएं आए, और खासतौर पर ये मैसेज जो दे रहे हैं हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग जितने भी गंगल को प्रोग्राम होते हैं वो मकसद होता है, जैसे कृष्णा उत्सव किया था, तो ये मकसद यही है कि हम चाहते हैं द्वारका का एक एक निवासी, ये एक एनजीओ का प्रोग्राम नहीं है, इसमें सबके लिए, इसमें डीडीए ने जमीन दी है हमारे को, एलजीएमसी के एक एक अधिकारी पूरे द्वारका को, जहां जहां से द्वारका के लोग आ रहे हैं वो 3 दिन से क्लीन करने में लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के, जितने भी लोग हैं उसको पूरे को इवेंट को पूरा एक जम गए हैं पूरे द्वारका के लिए। अभी एक चीज बताएं, जैसे इसमें दो बातें मेरे दिमाग में थी, एक तो कोई कल्चरल इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक टाइमिंग है या ये भी सारा दिन चलता है? जी हाँ, वैसे तो क्या होता है, जो लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है शाम को ही होता है, तो शाम को 4:30-5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है, और दोपहर के वक्त में जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, जो भी हमारे ट्रेडिशन हैं, हम लोगों ने सबके गांव के जो लोग हैं यहाँ पे उनको कहा कि आइए, रस्सा किसी के, मतलब सब लोग करेंगे इसके अंदर। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद नीना जी। जो स्कूल के फंक्शन होंगे, जैसे स्कूल के जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उनके कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं? मतलब मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार लोगों का इंटरेस्ट होता है। ऐसा है, ये एक खुला मंच है, अगर कोई भी बच्चा ऑन द स्पॉट आके भी अगर हमें कहेगा कि हमारे पास ये म्यूजिक है, हम ये परफॉर्म करना चाहते हैं, तो द्वारका के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे सभी से एक मैं उन सबको जो है निमंत्रण दे रही हूँ इस मंच के माध्यम से, कि वो बच्चे आए और यहाँ पर आके वो अपनी जो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा फोक डांसेस पे रहेगा, हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, जिसमें हम कई बच्चों को ले रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे क्लासिकल डांस कर रहे हैं, इसी तरह से एक यहाँ पे डांस स्कूल है, वो डांस स्कूल अपने बच्चों को परफॉर्म करा रहा है, ऐसे ही एक क्लासिकल का यहाँ पे स्कूल है, तो वो यहाँ पे अपने बच्चों को भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर आएंगे तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो पैटर्न है वो SDMC के जो हमारे मेयर साहब हैं उनका हमें बहुत सहयोग रहा है, और वो हमारे पैटर्न है इस प्रोग्राम के, तो उनकी वो ही इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, और इनॉग्रेशन जो है वो 20 तारीख को शाम को 6 बजे है। तो सभी द्वारका वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझकर आएं, और ना कि ये सोचें कि हमने ये सभी के लिए खुला छोड़ा है। अच्छा कपिल जी, आखिरी में एक सवाल जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, हर आदमी सोचता है मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ पे क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ। खाने का तो आपने हिंट दे दिया, कुछ थोड़ा खरीदारी के बारे में बता दीजिए ताकि आदमी उसी हिसाब से जेब भर के लाए। द्वारका के अंदर अभी जो हमारे बड़ा फंक्शन जो होता है, रामलीलाएं होती हैं, 5 रामलीला होती हैं, तो एक मंच जो हैंडीक्राफ्ट को खरीदने का, हैंडलूम को खरीदने का, अभी कितने लोग आएंगे मुझे भी एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है। खादीग्राम होते हैं, उनके 25 स्टॉल्स होंगे, तो हमारे जो धरोहर है वो लोग खरीदें, खासतौर महिलाएं, कॉटन को मिलता नहीं है, कॉटन मिलता नहीं है बच्चों के लिए, खासतौर पर जेंट्स के लिए कुर्ते नहीं मिलते, सिंथेटिक मिलते। हमने कोशिश करी है कि वहाँ पे आपको खरीदारी को मिले, कोई डिस्काउंट होगा तो वो भी खादीग्राम उद्योग देगा, और बहुत महंगा नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि पहली बार द्वारका में खादीग्राम उद्योग ने एंट्री करी है किसी भी रूप के अंदर। ये अचीवमेंट है द्वारका वासियों के लिए। आपने अभी हमने सब चीजों पे बात कर ली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज रह गई
वेन्यू कहाँ है? वेन्यू कहाँ पर है? द्वारका में सेक्टर 13 का जो मेट्रो स्टेशन है उसका एक नंबर गेट के सामने डीडीए का ग्राउंड है। ये अभी तीसरा प्रोग्राम है वहाँ पे द्वारका का। तो मेट्रो स्टेशन 13 का मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल एक नंबर गेट के सामने ग्राउंड है वहाँ पे। अच्छा कपिल जी, बच्चों के लिए है, आदमियों के लिए भी आपने कुर्तों की बात की, महिलाओं के लिए कोई विशेष अट्रैक्शन? महिलाओं के लिए तो बहुत सारे अट्रैक्शन है। एक तो खरीदारी, और हम जेंट्स को कहेंगे अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड साथ में लेके आए खासा होते। और दूसरी बात ये कि जो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो मसाले, जो गरम मसाले होते हैं वो लेके आएंगे साबुत, और वो खुद कूटते हैं, वो आपको तोल करके पैकेट में देंगे। क्योंकि ये फूड फेस्टिवल भी है साथ में, तो जो एक गाँव हम बना रहे छोटा सा जिसमें मक्के की रोटी जमीन पे होगा, मट्टी के बर्तन में होगा, पत्थर में होगा, वहाँ पे क्या कहते हैं ये बूढ़े होंगे, चारपाई, पूरे कोशिश करेंगे माहौल देने के लिए, ऊंट की सवारी होगी, पूरा कोशिश करेंगे कि एक दूसरा सोच कुछ खड़ा कर पाए हम लोग। लिसनर्स, अभी हमने बात की कपिल जी से और नीना जी से, उन्होंने काफी चीजें बताई फेस्टिवल के बारे में। देखिए, जितना मैं समझता हूँ और जानता हूँ, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराना बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं होता। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार जाएं, देखें। एक तो आपको कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, दूसरा जो इवेंट ऑर्गेनाइज लोग करते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जाएंगे, इवेंट को देखेंगे और उसका लुत्फ उठाएंगे, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सुनते रहे रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।